आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अपना जोड़ घटाव के इबारती सवाल देखेंगे। इबारती का मतलब होता है शब्दों में लिखे हुए, और कौन सी क्या चीज है या कौन सा सामान लिखने का है, यानी जो हिंदी वर्ण शब्दों में लिखे हुए होते हैं उनको हम इबारती बोलते हैं। तो आज हम इबारती कुछ देखो, इनमें तीन सवाल दे रखे हैं, इबारती जोड़, इबारती बाकी, और इसमें जोड़ और बाकी दोनों है। इनको पहले समझना है, पहले सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। पढ़ने में अपन को ये समझना है कि ये जोड़ होगा या फिर घटाव होगा, यानी बाकी होगा। पहला प्रश्न, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,800 रुपए जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपए जमा कराए, बताओ उसने दो माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। यानी एक व्यक्ति था, उसका नाम रमेश था, उसने एक तो जनवरी माह में पैसे जमा कराए और एक फरवरी माह में पैसे जमा कराए। जनवरी माह में कितने कराए? 2,850 रुपए। फरवरी माह में कितने जमा कराए? 3,650 रुपए। अपन ने यहां लिख दिया जनवरी माह में कितने कराए? 2,850 रुपए। फरवरी माह में कितने कराए? 3,650 रुपए। अब जनवरी महीने का, फरवरी महीने का, दोनों का अपन को जोड़ करके इसको बताना है। तो ये अपन ने जोड़ कर लिया, जीरो जीरो को जोड़ा तो जीरो, पांच अपना दस की शून्य, हासिल एक। आप चाहो कल बताया था मैंने, हासिल अगर भूल जाते हो तो ऊपर डोला लगा के उसने हासिल डाल दिया करो। ये मैंने हासिल डाल दी, आठ और छह चौदह, और एक ऊपर हासिल 15 का 5, हासिल की एक, दो और एक हासिल 3, और 3 6। इस प्रकार से उसने दोनों महीनों में कुल कितने जमा कराए? 6,500 रुपए। क्योंकि ये दोनों महीने की कुल पूछ रहा था, आपको एक कुल शब्द आते ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि जोड़ करवा रहा है। इस प्रकार से जोड़ पहचानना है आपको। बाकी या तो आपको किसी भी दोनों दो संख्या देकर के उसका अंतर पूछे, या पूछे शेष, तो आपको घटाव करना है। अब इसमें मैंने शेष नहीं लिख करके दोनों का अंतर दिया है। दो भैया बहन थे, एक तो था अंशु और एक बहन थी रुचि। अंशु ने साइकिल कितने में खरीदी? 2,999 रुपए में। और रुचि ने कितने में खरीदी? 2,650 रुपए में। आपको दोनों की संख्या देखनी पड़ेगी किसकी ज्यादा है। घटाव के समय आपको बड़ी संख्या ऊपर रखनी है, छोटी संख्या नीचे रखनी है, तभी आपका घटाव होगा। अंशु ने साइकिल कितने में खरीदी? 2,999 रुपए में। रुचि ने साइकिल कितने में खरीदी? 2,650 रुपए में। बड़ी संख्या ऊपर है, छोटी संख्या नीचे है, घटाव का चिन्ह लगा करके आपको बाकी निकालनी है। यानी अंशु ने इस बहन से, रुचि से 349 रुपए में अधिक रुपए में साइकिल खरीदी। आपको इसमें शेष भी मिलेगा तो आपको घटाव करना है, या फिर दोनों का अंतर पूछे, अंतर भी घटाव होता है बाकी होता है। तीसरा प्रश्न, अब इसमें जोड़ भी है और घटाव भी है। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ
क्योंकि पहले उन दोनों को जोड़ा जो सामान लेके आए थे, दो सामान लिया था उनको जोड़ा, यानी पांच को तीन को जोड़ा, आठ हो गए। अपन रुपए कितने लेके गए थे? 20 रुपए, और 20 में से अपन 8 घटाएंगे तो 12 रुपए से रह जाएंगे। वैसा ही प्रश्न ये तीसरा प्रश्न है, मोहन के पास 10,000 रुपए हैं। उसने उसने देखो दो सामान खरीदा है 10,000 रुपए ले जाकर के। पहले तो क्या खरीदे? गेहूं 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे और 1,600 रुपए के चावल खरीदे पहले अपन को, और बाद में कह रहा है बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो पहले अपन ये जोड़ ले कितने कितने का पूरा सामान खरीदा। अपन ने गेहूं का कितने का खरीदा? 4,500 रुपए का। चावल कितने के खरीदे? 1,600 रुपए का। दोनों को जोड़ना है, उसका चिन्ह लगा दिया ये, और जोड़ने के बाद कितने का कुल सामान आना, कितने का खरीदा? 6,100 रुपए का। जैसे अपन ने बिस्किट और टॉफी खरीदी थी ना, वैसे इसने किए उनको जोड़ लिया। अब रुपए कितने लेके गया था मोहन के पास? कितने रुपए थे? 10,000। और ये अनाज कितने का खरीदा उसने? कुल अनाज खरीदा उसने 6,100 रुपए का, यानी 10,000 रुपए लेके गया और 6,100 रुपए का उसने दो अनाज, दो तरह के अनाज खरीदे, दो तरह के। और जब उनको घटाएंगे तो 3,900 रुपए शेष रहेंगे। इस प्रकार से आज अपन ने इबारती सवाल पढ़ा है। ध्यान रखना जोड़ में कुल आता है, बाकी में शेष या अंतर बताइए आता है, और जोड़ बाकी जिसमें दोनों हो तो पहले कितने राशि लेके गए और किस किस में अपन ने खर्च कर दिया, उन तो खर्च